लिए सिखाना चाहते हैं। आप लोगों को हिंदी समझ में आते हैं? हाँ। आपको समझ में आते हैं क्या? हिंदी आता है तो इवन आई टू डोंट नो कन्नड़ा ओके मुझे भी कन्नड़ा नहीं आते हैं ओके ननगू अस्ट गल स्वल निगोस्कर निन्े नानंत क्लास तक अदर स्वल कन्नड़ी एक्सप्लेन गल अदे नान एक्सप्लेन अदे निन्े हम चेना प्रिपेर मूंदी कन्डदल एक्सप्लेन ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ठीक है आज मैं एक कहानी सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद है क्या वो एक कहानी बताना है एक छोटा सा कहानी हाँ मैं ऐसा तो टाइम नहीं है कन्नड़ा में ही एक हिंदी में ही बताना है कदे हेल्प इष्ट हेल्प कदे चिंत कदे हेलबा फस्ट कम बताया गया तेनालीराम ने बताया कि हाँ मैंने चुराया था
तो फिर उस राजा ने उसको सजा देते और उसे बोलते कि तुम कल मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना है। और फिर कल उन्होंने एक पॉट लेते हैं और उनके सिक्के ऊपर रख देते हैं। और फिर आकर राजा ने बोला कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है, फिर क्यों आया? और तेनालीराम बोलता है कि मेरा शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ शरीर है। तो राजा ने हंसकर बोला कि तुम बहुत चतुर हो लेकर आ गए हैं। आप लोग क्या करना है, ऑर्डर करके अरेंज करना है। आप लोग पढ़िए, ये कहानी पढ़िए। ओके, हमारा कहानी का नाम है बिना जड़ का पेड़। बिना जड़, जड़ मतलब क्या है? जड़ मतलब रूट। ओके, बिना जड़ का पेड़ मतलब क्या है? पेड़ ट्री। पेड़ ट्री के कहना बोलते हैं मिथिला मारा। जड़ है जड़ रूट। रूट के लिए मिथिला बेर अला। तो जड़ा रूट कन्नड़ले बेर पेड़ा ट्री। देखिए इस एक शीर्षक पर भी हमें कुछ विचित्र है ना अनुभव हो रहा है ना। जो अनोखी नाम है ना, अनोखी मतलब क्या है? ऐसा हम देखेंगे। अब आप लोग भी देख रहे हैं, आपको जो आपके पास लिखिए, जब मैं पढ़ती हूँ तब आप लोग क्या करना है देखना है। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। आपको मिला है संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराजा मैं व्यापारी हूँ। ठीक है ना, सबको मिला है? वही भेजा, आपको भी मिला है ना। और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगता है। आपके लिए मैं एक उपहार भी लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई वह बताए कि इस संदूक में क्या है। अब देखिए एक राजा के दरबार में कौन आ गए हैं? एक व्यापारी आ गए हैं। कौन है व्यापारी? राजा मतलब क्या है? राजा या राजा की राजा दरबार है यार। दिन दो व्यापारी, व्यापारी अंदर यार एक दिन क्या हो गया है? राजा के एक राजा एक कहानी है ना। एक दिन एक राजा के दरबार में कौन आ गए? व्यापारी। उसके साथ हाथ में क्या था? बिना जड़ वाला नहीं, एक संदूक लेकर आ गए। संदूक मतलब क्या है? एक बॉक्स। तो व्यापारी बंधु कई बॉक्स तो उसके हाथ में एक संदूक भी लेकर आ गया था। तब वहाँ व्यापारी अपने आप बहुत गर्व था। क्या है गर्व मतलब क्या है? प्राउड। कैन यू से वन सेंटेंस अबाउट गर्व? कैन यू फ्रेम वन सेंटेंस गर्व? आई एम वेरी प्राउड दैट आई गॉट द प्राइज। यस, कैन यू से वन सेंटेंस इन हिंदी? गर्व से कोई वाक्य बना सकते हैं क्या? मैम मैं बहुत गर्व हूँ कि मैंने एक प्राइज लिया। और मुझे पुरस्कार मिला है, इसलिए गर्व है। तो वैसे ही इस गर्व मतलब गर्व अंदर अवन तुम अहंकार इतो यारे व्यापारी बंदाने राजा दरबार बंदाने बंद कई ओके वहां
आदमी व्यापारी राजा के दरबार में आ गया है। उनके हाथ में क्या था? एक संदूक, संदूक का बॉक्स लेकर आ गया था। तब गर्व से कहा है, देखिए मुझे बिना बीज पेड़ से मुझे पेड़ उगा सकते हैं। मतलब क्या है? बिना बीज पानी मुझे पेड़ उगा सकते हैं। Ma'am, without seeds and with water I can grow trees. Is it possible? आगे तांगे नीरो आकुम बिला बीजा नो आकुम बिला आगे मरा बरस बेरे कागुता आगर वाला आगे तांगे साध्या ना दो अल्ला ओके कर सकते हैं क्या? नहीं है ना। ओके तब राजा ने कुछ नहीं बोला है। तब उन्होंने बताया, मैं सीक्रेट बताऊंगा, इससे पहले आप बताना है मेरे संदूक के अंदर क्या है। नंदो बॉक्स से दिया ला गेस मारी हेल्प करो ना हेल्प करो यारो यार 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 के हेल्प दाने राजा चलिए। तब उन्होंने क्या कहा, आपके राज दरबार में बहुत सारे ज्ञानी लोग रहते हैं ना, आप उनसे पूछिए ना, वो बता सकते हैं। तो व्यापार गर्व अहंकार रहता ना, अहंकार क्यों समझ से हो ना अहंकार क्लास वाली टीचर नंगे प्राउड मर जाता अहंकार अहंकार बर्बाद हो है ना। हाँ इसलिए तब व्यापारी ने पूछा है, ऐसे ही आपके दरबार में बहुत सारे दरबार में राजा बीच में बैठे हैं, दोनों साइड में कौन राज कर रहा है? हाँ वो दरबार के मुख्य मंत्री और स्कॉलर्स ज्ञानी लोग पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। तब ये व्यापारी ने पूछा है, क्या पूछा है, इनसे पूछा है इस संदूक के अंदर क्या है, आरोप पेटी ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರ್ ಕ್ಯಾಮೆ ಬಾಹರ್ ದೇಖಿಸೆ ಪತಾ ನೀ ತಬ ವಹಾ ಕೌನ್ ಥಾ ಏಕ ಗೋನುಚಾ ನಾಮ ಏಕ ಕವಿ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿ ಥಾ ಉಸ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ ಏಕ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ आपको पसंद है क्या कॉमेडी? हास्य पसंद है ना। तब उस दरबार में एक हास्य कवि कन्नड़ कवि बोलते है ना हास्य कवि ओके उस कवि था। उन्होंने सब दरबार के सभी लोग उसे पसंद करते थे उस गोनुचा को। तो गोनुचा बहुत कैसा था? हाँ एक संस्कारी बुद्धिमान था। तब क्या किया है गोनुचा को एक आइडिया सोचा। गुनुचा क्या सोचा है, अगर दरबार में कोई आंसर नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाते हैं क्या किया है राजा ने? तब गुनुचा ने आकर ऐसा सोच रहा है कैसे भी हमारे राजा को हमारा दरबार का को सोल्व करना है करके सोच कर उन्होंने एक आइडिया बताया है। उन्होंने क्या कहा है, मैं बताऊंगा कौन बोला है? गोनुचा बोला है, मुझे मालूम है कि संदूक के अंदर क्या है। नन के गुत्तो पेटोड़ा के एनी देंता व्यापारी व्यापारी ಅಲ್ಲ गोनुचा वो सदस्य विकट कवि हास्य कवि है ना। ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಆಪ್ ಆಜ್ ಪೂರಾ ರಾತ್ ಪೂರಾ ಮುಜೆ ಚಾಹಿಯೆ ಯೇ ಪೂರಾ ಏಕ ರಾತ್ ಚಾಹಿಯೆ ಮುಜೆ ಸೋಚ್ನೆ ಕೆ ಲಿ ಓಕೆ ಪೂರಾ ಏಕ ದಿನ ಕಲ್ ಮೇ ಬತಾಊಂ ಕರ್ಕೆ ಬತಾಯೆ. ತಬ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹೇ ರಾಜಾ ನೆ ಓಕೆ ಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಪ್ನೆ ಸಂದೂಕ್ ಕೆ ಸಾಥ इनके घर में चले गए। किसके? गोनू के साथ, गोनू छा के साथ उनके घर में चले गए। वहां जाकर क्या कह रात अब गोनू छा ने कहा, आप इस संदूक का देखभाल करना क्योंकि रात में अगर आप चेंज करेंगे तो क्या करोगे? तो रात भर हम दोनों सोना नहीं, क्यों? सोने से क्या होता है? रात में अगर कोई सोना
ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಏನಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಪಾಪಾ ಬೋಲು ಜನ ಕ್ಯಾ ಕಾ ಹೇ ರಾತ್ ಮೇ ಹಮ್ ದೋನೋ ಸೋನಾ ನಹೀ ಹಮ್ ದೋನೋ ಯಹಾಂ ಬೈಠ ಕರ್ ಕುಚ ಬಾತೇ ಕರ್ಕೆ ರಹೇ ಐಸೇ ಹೀ ದೋನೋ ಬಾತೇ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ ದಿಯಾ. ಬಾತೇ ಕರ್ಕೆ ಕರ್ಕೆ ಬೋಲು ಜನ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಮೇ ಕಹಾ ವೈಸೇ ಹೀ ಏಕ ಪಿಛಲೆ ಮಹೀನೆ ಏಕ ಔರೇಕ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗೇ ಇದೆ ಹಾಂ ಬರ್ ವೋ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ಉಸ್ನೆ ಭೀ ಐಸಾ ಕಹಾ ಹೇ ಬಿನಾ ಜಡ ಬಿನಾ ಬೀಜ ಸೇ ಬಿನಾ ಪಾನಿ ಸೇ ಮೇ ಭೀ ಏಕ ಪೇಡ್ ಕೋ ಉಗಾ ಸಕ್ತೇ ಹೇ ಉಸ್ನೆ ಕೈ ತರಹಕ್ಕೆ ಫೂಲ್ ಭೀ ಹೋ ಸಕ್ತೇ ಹೇ ಐಸಾ ಕಹಾ ಹೇ ಕಿಸ್ನೆ ಬೋನೂ ಚಾನೆ ಬತಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐಸೇ ಹೀ ಝೂಟ್ ಕಹಾ ಹೇ तो गुंजा को एक आइडिया मिला है ना, इसलिए ऐसे ही कहा. तब व्यापारी ने कहा मेरा भी है ऐसा ही है, मेरा मुझे भी ऐसा कर सकते हैं, मैं भी ऐसा कर सकते क्या है, मैं भी कर सकते हैं ऐसा बिना बीज से बिना पानी डाल के मैं पेड़ को उगा सकते हैं, उसमें फूल भी कई तरह के फूल भी हो सकते हैं करके किसने कहा, व्यापारी ने कहा. तब वो गोलू जा को आइडिया मिला है, क्या उनके मन में कुछ आइडिया मिला है इसके अंदर क्या है. वो दूसरे दिन क्या हो गया है, जो दोनों दरबार में आ गया है, कौन है, व्यापारी और गोलू जा को दोनों मिलकर संदूक दोनों कर राजा के दरबार में आ गया है, दोनों वापस आ गया है. तब आते ही गोलू जा ने क्या किया है देखेंगे. आप लोगों को मिला है ना जो अरेंज करके रखा है ना, देखिए एक एक करके आप लोग अरेंज कर किया ना, वो ठीक है या नहीं देखिए. आप लोग भी देखना है इसमें आप लोग जो अरेंज किया है ना वो कहानी ठीक है या ऑर्डर में है या नहीं आ ही गया. तब ये दोनों क्या किया है, तो दरबार में आते ही गुरुजा ने क्या किया है, एक ऐसे उनके पास उन्होंने संदूक के अंदर क्या है वो बताना के लिए क्या है, वो एक उन्होंने पटाखी वो पटाखी नंगे होते नंगे हेल्प ಮಾಡಬೇಕು ಪಟಾಕಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ರಾಜಾಕ್ಕೆ ಗುಸ್ಸ ಆಗ್ಯಾ ಹೇ ಈ ಗುರು ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ ಐಸಾ ಕರ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಯಾ ರಾಜಾಕ್ಕೆ ಗುಸ್ಸ ಆಗ್ಯಾ ಆಕರ್ ಉಸೆ ಗುರುಚಾ ಸೆ ಕಹಾ ಗುರುಚಾ ಕಹಾ ಯಹಾ ಮೇರೇ ಇಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಚಾ ಹಾ ನಾ ಉಸ್ಕಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇ ಜಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಚಾ ಹಾ ನಾ ಕ್ಯಾ ಪೂಚಾ ಹೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಸ್ ಸಾಂದೂ ಕೆ ಅಂದರ್ ಕ್ಯಾ ಹೇ ತೊ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೋ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದ್ರಿಗೆ ಏನೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಹಾ ಅದ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಓ ಕೈಸೆ ಓ ಬರ್ಸ್ ಹೋತೆ ಸಮಯ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಓ फ्लावर जैसा होता है फूल के जैसा होता है ना, इसलिए वो कहा है बिना पानी और जड़ से क्या हो जाता है, क्या होता है, हाँ फूल पेड़ उगा सकते हैं करके उसने कहा. कहानी इष्ट आयता तो बता सकते हेड़क आगता कहानी शॉर्ट आगे कोई बता सकते हैं ना, ना कम अच्छा. अब जो मालूम हो गया है आपको जितना मालूम हो गया तो समराइज करके बताइए. क्या नाम है आपका, एक एक राज्य था और उसमें एक व्यापारी आया था, व्यापारी व्यापारी ने एक संदूक लाया था और उसने राजा से कहा कि महाराज मैं बिना पानी और बिना पानी और
नीच के पेड़ उगा सकता हूँ। और मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इसने ये कहा, पर सीक्रेट बताने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा, आपके दरबार में बहुत सारे विज्ञानी हैं, इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो फिर मैं आपको ये सीक्रेट बता दूंगा। तो उसने प्रश्न कहा कि इस आपको पहले बताना होगा कि इस संदूक में क्या है। सबको कंफ्यूज हो गया था, हम सब कंफ्यूज हो गए थे। और फिर सबको किसी को भी पता नहीं था। पर फिर गोनू जी ने आकर कहा कि व्यापारी मुझे एक रात के समय चाहिए और मैं इसका उत्तर बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रात भर जागना पड़ेगा। फिर उस रात के बाद दूसरे दिन में गोनू जी ने आकर दरबार में सबको बताया कि इस संदूक में आतिशबाजी कहा था, क्योंकि आतिशबाजी से बिना पानी और बिना बीज के आतिशबाजी हम आग डालते समय क्या हो जाता है, ऊपर जाकर ऐसे ही फूल हम जैसे दिखते हैं ना, तो दूर से हम देखें तो पेड़ जैसे दिखते हैं, पेड़ और उसके ऊपर फूल। तो इसलिए व्यापारी ने कहा मेरे बॉस के अंदर क्या है, बिना बीज से बिना पानी से मैं उगा सकता हूँ कहा था। इस तरह दोनों जने पहले सुलझा दी थी। ओके, वेरी गुड। थैंक यू।